माय क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम यू राणा साहब, नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वजीर आजम बन के ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो वो 4th बार भी बनना चाहते हैं? और मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है कि यहाँ दोनों पार्टीज के तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं बैठा हुआ? मसला ये है कि वो यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन गेट से बाहर ही वो फिर कहीं और चले जाते हैं। हमने कहा था कि आके आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें फिर शामिल हो। मेरा नाम मरियम है, मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज कॉमसैट्स की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक कंसर्न है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का ये दावा है कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत काम किया, नौजवान के लिए ये किया वो किया, तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो मायूस है अपने वतन से, वो अपने मुस्तकबिल को लेकर वो बाहर जाना चाहती है, मुल्क को छोड़ के चले जाना चाहती है। तो क्या कर रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या हमें बाहर भेजना चाहती है मुल्क से, हम पाकिस्तान को छोड़ दें? जो क्वेश्चन कहता है उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपने पूछा था कि आप किसको वोट देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मैं वोट दूंगा क्या उसको इज्जत दी जाएगी? जैसे नून लीग का एक मोटो था कि वोट को इज्जत हो, अगर इलेक्शन आते हैं उससे 6 माह या 7 माह पहले या साल पहले हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है। जैसे अनटोल्ड वेल्थ है, मुझे ये बताएं कि 2 मिशन चला रहे थे, मेरी मिशन का बुरकस निकल गया और तुम आसमान पे जा रहे हो। अच्छा भाई क्या नाजुक दौर की होया? वो कहते हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैं पेरिस भेजो लाहौर बना देंगे, इन्होंने हमारे साथ जो किया। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, राणा साहब से और सर, क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? कि बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे 17 महीने उन्होंने वजारत के मजे लूटे, उस वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस हुकूमत से और कुछ भी नहीं था, और आज वही बिलावल भुट्टो साहब इस हुकूमत के कीड़े निकाल रहे हैं। क्या एक को कुट पड़ रही है, एक तो पति चुके खड़े होने की जूती गलत नहीं लग रही, वो जूतियां खा बैठते अगला आ जाता है, फिर तीनों बारी बारी मार खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हुकूमत और इदारों को ऐसा आईना दिखाया कि मज़ा आ गया। स्टूडेंट्स ने नून लीग के चेले राणा एहसान अफजल से लाइव शो में ऐसे तल्ख सवालात पूछे जिनके राणा एहसान अफजल कोई भी तसली बख्श जवाब ना दे सके, और उनके लाइव शो में पसीने छूट गए। आए पहले इन स्टूडेंट्स के सवाल जवाब सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम यू राणा साहब, नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वजीर आजम बन के ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो वो 4th बार भी बनना चाहते हैं? और जैसे कि हमारी मेजोरिटी ऑफ यूथ सपोर्ट्स पीटीआई, एवरीबडी नोज दैट, तो डू यू थिंक अगर वाकई प्योरली साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं सो योर पार्टी स्टैंड्स एनी चांस हियर? सवाल आपसे है। मुल्क के अंदर 1 साल में 2500 बम धमाके टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे, हमने 5 साल में उनको 100 से नीचे कर दिया। ये बहुत बड़ा तीर था ज़र्बे अज़्ज़ और रद्दुल फसाद, और डिफेंस का बजट 500 से 1100 अरब किया, हमने पॉलिटिकल विल दी, हमने वहां कराची से दहशतगर्दी को साफ किया, ये बहुत बड़ा तीर था। 22 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान में, यहां चाइनीज फॉरेनर्स इस मुल्क के रुख करना शुरू कर दिया, इस मुल्क में 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, हमने 5 सालों में उस लोड शेडिंग को खत्म कर दिया। इंशाल्लाह ताला जब मियां नवाज शरीफ 4th दफा वजीर आजम बनेगा, हम गुर्बत का भी खात्मा करेंगे जैसे पहले किया, 4% पे महंगाई थी एवरेज 2013 से 2018 में, हम दोबारा करेंगे। उस सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो क्या नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे? ना कोई अभी ऐसा सर्वे आया है जिससे, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन हुआ था बाय इलेक्शन हुए थे 15, और उन बाय इलेक्शन में पीटीआई ने नून लीग को हरा दिया था, तो वही हमारे पास लास्ट सैंपल है कि जिसमें 15 की 15 जो जिमनी इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई जीती थी। लेकिन ये बहरहाल ये खदशा मौजूद है कि आप पीटीआई को दबाने के बावजूद भी उस दिन इलेक्शन वाले दिन पीटीआई के लोग निकलेंगे और सारे इलेक्शन को तलपट कर देंगे। आपको भी यही लगता है? खदशा ये खदशा ले बैठा हमें, लेकिन मेरी ये राय है कि जितना हमने देखा है, फसल हो या बाहर के पैराफ्री हो, अभी आपने कहा ना कि वो इस वजह से जीत गए थे कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को टिकट दे दिए थे। अरे भाई आज भी पीटीआई के लोगों को टिकट दे के इलेक्शन करा के देख लें, आज भी देख देख लें। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बात यह है कि आप उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, देखें आप उसका रास्ता रोक के उसको सिंपथी वोट भी दिला रहे हैं। तो राणा साहब की हासिलात बिल्कुल ठीक है, एक सरमायदाराना जो एक, मगर उसमें मैं बहुत सी बातें और भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि 166 आपने जो प्राइवेटाइज की थी उनमें से 130 बंद हो गई हैं। अभी थोड़ा सा इन्होंने इशारा किया कि जब आपने रियासत के एसेट जो है वो बेचे, वो कार्टल क्या है? आज आपके तेल वाले काबू क्यों नहीं आते? मैं अर्ज करता हूँ बहुत से इदारे, ये वापदा जो आपने प्राइवेटाइज किया, ये आज आपको वर्ल्ड बैंक कहता है $45 बिलियन का 10 साल में नुकसान हुआ, इट इज अ ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट, ये कम से कम 200 से 250 बिलियन में खा गया। इस 50-60 बिलियन मैं कहता हूं जो वायदे पीपल्स पार्टी ने किए 93 में, जो इन्होंने किए, यार खोल के दिखा तो दो हमें। जब एक बंदा हाई कोर्ट में जाके कहता है कि जनाब मेरे पैसों से आपने एक वायदा किया है, हमें बता दें क्या किया, कहता नहीं जी ये तो कौमी राज है, वो पैसे मेरे ठेके तुसी दे रहे हो ले रहे हो, मुझे तो बताओ। आज पाकिस्तान की रियासत अगर माशी तौर पर बर्बाद हुई है तो वो आपकी बिजली की प्राइवेटाइजेशन थी, वापडा में थी करप्शन,
पर इतना भी गंद नहीं था जितना आप बयान, कितना 2300 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट है और सारा चोरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर मैं टाइम नहीं है मैं आपको तफसील बताऊंगा वादों की, आप कानों को हाथ लगा लें जो जो इन्होंने किए थे। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स में इस पे स्टोरी छपी हुई है, मारिएगा मैं आपको हेडलाइन अभी बता देता हूं, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। किया क्या आपने, बिजली मैंने बनानी है, मुझे जो अपना देना है खाम जो तेल वो मुझे रियासत देगी, रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा और कैपेसिटी पेमेंट होगी। कैपेसिटी पेमेंट में 1000 अरब रुपए में हमने झोंक दिया, और हर मैं आज बोल देता हूं यहां पे हर वो किकबैक जो इसमें ली गई उसकी किस्त हम बिजली के बिल में अदा कर। मेरा नाम मरियम है, मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज कॉमसैट्स की स्टूडेंट हूं। बेसिकली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक कंसर्न है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का ये दावा है कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत काम किया, नौजवान के लिए ये किया वो किया, तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो मायूस है अपने वतन से, वो अपने मुस्तकबिल को लेके वो बाहर जाना चाहती है, मुल्क को छोड़ के चले जाना चाहती है। तो क्या कर रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या हमें बाहर भेजना चाहती है मुल्क से, हम पाकिस्तान को छोड़ दें? पॉपुलैरिटी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नौजवानों के अंदर देखी तो भुट्टो था, और उन्होंने फिर काम भी किया, बस ने एजुकेशन फ्री की। आज तालीमी इदारों के अंदर, आपके इदारे के अंदर जो फीसें हैं, जब सोहेल वड़ाई साहब या मैं या काजी साहब पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी, क्या फीस थी उसकी? 1600 रुपए साल की फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे इदारे के अंदर। आज सरकारी इदारों के अंदर क्या फीसें हैं, लोग नहीं दे पा रहे। सो पहले तो इसको एड्रेस करना होगा। दूसरा फिर रोजगार की बात है, पाकिस्तान के अंदर रोजगार, जैसे मैंने कहा कि अगर बिजली सस्ती नहीं होगी कहां से लगेगी इंडस्ट्री, कहां से सारी चीजें आएंगी? आपने राणा साहब की पार्टी ने उठाकर साईवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया है, बिजली पैदा करने वाला, कहां से कोयला मंगवाते हैं, कहां पे लाते हैं? तो बिजली जब सस्ती होगी वो थार आपके पास है, इतना बड़े जखायर है कि 175 अरब टन का कोयला है, अगर आप 200 साल 1,00,000 मेगावाट बिजली रोज पैदा करते रहे वो खत्म नहीं होगा। बात यह है कि मुल्क डूब गया। आप इस तरह करें, ये जितने बड़े पॉलिटिकल खानवादे हैं इनका 90 का टैक्स रिकॉर्ड निकालें, इनका ग्रोथ रेट निकालें, अगर 25% से कम हुआ तो मैं आइंदा साबित में बोलूंगा नहीं। एक मुल्क जिसमें ये दो मशीनें चला रहे थे, एक पाकिस्तान की और एक निजी, निजी आसमान को छू रही है, बिल गेट शर्मिंदा हो जाता है। नौ मैं आपको बता सकता हूँ, वो टैक्स ऑफिसर जिंदा है जिनसे मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े सियासी खानवादे के वालिद साहब ने 5 करोड़ रुपया 5 खानदानों का बताया 90 में, आज अनटोल्ड वेल्थ है। मुझे ये बताएं कि दो मिश्रें चला रहे थे, मेरी मिश्र का बुरकस निकल गया और तुम आसमान पे जा रहे हो। अच्छा क्या नाजुक दौर से की होया? वो कहते जी हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैं कहना पेरिस भेजो लाहौर बना देंगे। इन्होंने हमारे साथ जो किया देखे ना, देर बाद वन लिटिल टाइनी क्लास विच डिड वेरी वेल, वेरी वेल, बल्कि वो किसी भी मतलब शर्मा दे। डॉक्टर इकराम उल हक से मैंने पूछा, मैंने कहा कितने पैसे यार ये रोज बताते हैं इतने बार, ये तो वेरी यू नो एक मुतबर आदमी है, $150 इन्होंने बार पे ने। तो बात ये है कि तुम ऊपर से मलाई उतारने आते हो, मैं आपको एक आदमी को नहीं कह रहा, मैं क्लास को कह रहा हूं एक बड़ी सादा मिसाल देता हूं कि वतन अजीज की मईशत उस भैंस की तरह है जिसका 24 करोड़ लोग चारा इकट्ठा करते हैं और दूध की बाल्टी लेकर सवेरे गायब हो जाते हैं, फिर यहाँ आपके हम बताते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इम्पोर्ट कैसे बढ़ेगी। मेरा नाम वलीद बिन तारिक है और मैं 8वें सेमेस्टर का तालिबे इल्म हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन का। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, राणा साहब से, और सर क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? सर इसका मैं रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे 17 महीने उन्होंने वजारत के मजे लूटे, उस वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस हुकूमत से और कुछ भी नहीं था, और आज वही बिलावल भुट्टो साहब इस हुकूमत के कीड़े निकाल रहे हैं। सर सेकेंडली नवाज शरीफ साहब के पास एकदम से कौन सी गीदड़ सिंगई आ गई है कि 4 साल पहले वो सेम किताब थी, सेम कानून था, उनको नाहल करार दिया गया था, और आज क्या कहते हैं चंद ही दिनों में वो तमाम केसेस से एकदम बरी हो गए हैं। वही कानून पहले भी था और आज भी वही कानून है। सुहेल वड़ाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर क्या ये खुला तजाद नहीं? अगर नूरा कुश्ती की बात करें तो पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है। पहले इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो इसलिए मुलतवी हो गया है क्योंकि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो इलेक्शन तो आपने खुद मुलतवी किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसेस को नोटिफाई करके। भाई 17-16 महीने में आप तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ, क्या बात है बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और आज आपको वो नापसंद है, और फिर आप जो है वो बयानियां बना रहे हैं लाडले का, नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड का। भाई आप तो खुद MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। जहां तक बात है ये खुला तजाद नहीं है। देखें ये जो आपने पूछा कि वो उनको देखें, हम ख्याल बेंचेस थे, अदालतों को इस्तेमाल करके सजाएं सुनाई गई, वो हम ख्याली खत्म हो गई, ओपन कोर्ट लग गए, इंसाफ का दौर आ गया और इंसाफ मिल गया, नवाज शरीफ बरी हो। आपका क्या मतलब है कि मफादात जो पहले थे अब वो सेम पेज पे नहीं रहे? देखें मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान वो होना चाहिए जहां हम सेम पेज की बात ही नहीं करें।
क्योंकि वो अदारा जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, तो जो हुकूमत होती है उसका पेज होना चाहिए और सबको, सब अदारों को उस पर चलना चाहिए। बनता है कि खुला तजाद नहीं है, उससे गलत हुआ या अब गलत हो रहा है? देखें, हमारी लड़ाई जो थी वो इमरान खान के साथ नहीं थी, लड़ाई इमरान खान की इनके साथ थी। उसने जबरदस्ती पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई डाली। पहले दिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर जरदारी साहब ने कहा कि हमने आपको गिराना नहीं है, गिरना आपने खुद है। जब हमारे साथ लड़ाई डाली तो हमने फिर वो लड़ाई लड़ी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को गिराने में सबसे बुनियादी रोल पीपल्स पार्टी ने अदा किया। उसके बाद हमारा बल्कि मेरा ही मशवरा था, गाई साहब को पता, मैंने कहा था कि आप वजारतें ना लें, आप एक सपोर्ट करें। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे आपने धक्का देना था, हम वजारतों में गए, हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। वो वजारत खारजा हो, वो क्लाइमेट चेंज हो, वो कश्मीर अफेयर्स हो, वो कोई भी वजारत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि एहसन इकबाल साहब ने यह सहूलत हमें फराम की कि हम सारी इतिहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, ये अपनी वजारतों का हिसाब दें, लोगों के सामने रखें, फाइनेंस का, बिजली का, बाकी चीज़ों का। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है कि यहाँ दोनों पार्टीज के तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं बैठा हुआ? हमने बुलाया था, कांटेक्ट भी किए, अवेलेबिलिटी का मसला था, हमारा कोई मसला नहीं था। और मेरी प्रायोरिटीज में ये शामिल था कि जब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दो बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो तहरीके इंसाफ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मैं मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल सर सुहेल से है कि 75 साल से जो भी हुकूमत आती है वो कहती है अच्छा काम हमने किया है, अच्छा काम हम कर रहे हैं, जो बुरा काम होता है उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता, उसको कोई ऑन क्यों नहीं करता, जो मुल्क की मईशत खराब हो रही है उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? देखिए जी, पहली तो बात है कि अगर अच्छे काम हुए होते तो आज पाकिस्तान बेहतर हालात में होता। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर अच्छे काम नहीं हुए, और मैं समझता हूँ कि सभी हम कलेक्टिवली जिम्मेदार हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि ये बंदा ही अकेला जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि हम सब जिम्मेदार हैं, सब तबके जिम्मेदार हैं। अगर कोई एक भी तबका अच्छा काम कर रहा होता तो आज मुल्क की तकदीर जो है वो बदल गई होती, सियासी जमातें अच्छा काम कर रही होती, ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही होती, या हम साफी अच्छा काम कर रहे होते तो मुल्क की तकदीर बदल गई होती। इसका मतलब है कि हम सब एक तरह से मुजरम हैं। और सवाल यह है कि अगर हम सब कलेक्टिवली मुजरम हैं तो इससे निकले क्या? देखिए, पाकिस्तान के पास एक रास्ता मौजूद है जो कि बहुत से मुल्कों के पास नहीं होता, और वो है पाकिस्तान का आईन, जिस पर इत्तफाक है, जिस पर इत्तेहाद है, जिससे कोई इख्तलाफ नहीं है। बस आप आईन को पकड़ लें और सिर्फ ये देखें कि कौन आईन पे चलता है, कौन आईन पे नहीं चलता। बड़ा आसान है, साफी को चेक करना हो आपने कि ये साफी ठीक है या गलत है, बड़ा आसान है कि क्या ये हुकूमत के खिलाफ है या हुकूमत के हक में है। अगर हुकूमत के खिलाफ है तो समझे सही साफी है, हुकूमत के साथ मिल गया है तो समझ लें कि चमचा है। तो भाई, बुनियादी तरीके हैं चीजों को चेक करने के, आप उसके मुताबिक चेक कर लें, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। जी बेटा, सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद जवेद है। मेरा आपने जो क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपने पूछा था कि आप किसको वोट देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मैं वोट दूंगा क्या उसको इज्जत दी जाएगी? जैसे नूली का एक मोटो था कि वोट को इज्जत दो, अगर इलेक्शन आते हैं उससे 6 माह या 7 माह पहले या साल पहले हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है। जैसे अगर हम 2018 की बात करें तो पीटीआई का बड़ा जोर था। अब फॉर एग्जांपल मैं पीटीआई को वोट देता हूं तो मुझे पता लग रहा है कि पीटीआई कभी भी आगे नहीं आएगी, उसका वोट बैंक जितना मर्जी हो। क्या मैं सुहेल साहब से ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी हो सकते हैं? अगर मेरे वोट को इज्जत दी जाएगी कभी, अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो क्या वाकई वो आगे आएगी? मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज सुहेल साहब वोट को इज्जत दो की जरा डेफिनेशन बता दें। आप सब लोग बताएं कि वोट को इज्जत दो की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या? देखें, वोट को इज्जत दो का तो मतलब यही है कि जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसके साथ मकबूलियत है, उसी को हुकूमत मिले। लेकिन पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान एक प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है जहाँ पे के एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है पाकिस्तानी सियासत में। तो नाचे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में मेजॉरिटी लेके जीती, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई, और पहले तय किया गया कि दिफा, खारजा और फाइनेंस, इसके तीन वजीर एस्टेब्लिशमेंट के होंगे, तब उन्हें इक्तदार दिया गया। 1970 में जो था, 1970 में एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मशरकी पाकिस्तान में जमात इस्लामी और वहाँ की मुस्लिम लीग जीत जाए, वहाँ अवामी लीग जीत गई। वो चाहते थे कि यहाँ मगरबी पाकिस्तान में कयूम लीग जीते, लेकिन यहाँ जीत गई पीपल्स पार्टी।
तो उन्होंने क्या किया, एक साल तक इक्तदार ही नहीं दिया। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि मकबूलियत और कबूलियत का कम्बिनेशन चलेगा, और जब तक आप इसको चेंज नहीं करते, ये अवाम की ताकत कर सकती है, इनकलाब कर सकता है, या फिर मुक्तदरा खुद सोचे कि हम पीछे हट रहे हैं, तो अभी तो उसकी सूरत नजर नहीं आती। मैं एक थोड़ी बात करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। बात यह है कि हम बार बार ये कहते हैं, जिस तरह ठीक कह रहे हैं, जो गलत कबूलियत भी चाहिए, कबूलियत से क्या किसी ने जान छुड़वाई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हालिया तारीख में बोलिविया में 2008 में एक गदड़िया था, और वहां पे वो वहां पे गोरे काबिज थे, उसने इंतखाब लड़ा और वो जीता। दो टर्मों में IMF कहता है कि सबसे तेजी से गुर्बत उसने खत्म की, नेशनलाइज किए अपने सारे असासे, वो गरीबों पर लगाए, अवाम पर लगाए। उसके खिलाफ कू करवाया अमेरिका ने, कू करवा के एक गोरी औरत को वहां बिठा दिया। ये अर्जेंटीना भाग गया, अर्जेंटीना से बैठ के इसने इलेक्शन लड़ा, जीत के फिर आ गया। इसका बंदा आज पावर में है, जो इसके वजीर खजाना था, और दुनिया और उसके पास कोई आइटम बम नहीं था। और यार माल सारा अंदर कर लेते हो और फिर कहते हो, ब्राजील देख, लूला देख लें, या उसके अलावा निकोलस मदुरो देख लें। और जब आप खजाना उठा के भागना है, तो फिर वो आपका जूता लेके बैठेंगे, और फिर आप करते क्या है, एक को कुट पड़ रही है, एक तो बत्ती चुके खड़े होने की जूती गलत नहीं लग रही, वो जूतियां खा बैठते हैं, अगला आ जाता है, फिर तीनों बारी बारी हम मार खाते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर लिमिटेड कंपनीज, नॉट द पार्टीज, दीज आर बिजनेस कंसर्न्स। ये मैं जिस तरह मैंने, ये क्यों कमजोरी है आपकी, जब आपके पास नोट का बैंक होता है ना, फिर वोट का बैंक नहीं रहता आपके पास, माल होता है आपका। ये माल से मोहब्बत छोड़ें और इससे अपना रिश्ता तोड़ें, तो आप सियासी लीडर बनेंगे। नाज़रीन, स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ ने पहले 3 बार वजीरे आज़म बन के कौन से तीर मारे हैं जो वो 4थी बार वजीरे आज़म बन के तीर मारना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने तो वाकई राना एहसान अफजल को नानी याद करा दी। स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर मैं PTI को वोट दूँ भी, तो साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त नून लीग को इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। PTI की जितनी मर्जी मकबूलियत हो, PTI को आगे आने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है, क्या वाकई PTI को इदारे आगे नहीं आने देना चाहते? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।